उत्पत्ति अध्याय 48, उत्पत्ति अध्याय 48। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रेम नाम अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला, और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इसराइल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया, और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फुला फुला कर बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दे दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रेम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे, और उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों के ही वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पदान से आया, तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूरी पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई, और मैंने उससे वही, अर्थात एप्राता जो बेथलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इसराइल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े, और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र है जो परमेश्वर ने मुझे यहां दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इसराइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहां तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया, और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देख पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, अर्थात एप्रेम को अपने दहिने हाथ से कि वह इसराइल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि इसराइल के दहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इसराइल ने अपना दहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर जो छोटा था, और अपना बाया हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दहिना हाथ एप्रेम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी, सो उसने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ लिया कि एप्रेम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भलीभांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और यह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा, और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया कि इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे एप्रेम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने
मनुष्य से पहले एप्रेम का नाम लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पिता के देश में फिर पहुंचा देगा, और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूं, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है।